वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज अनुराग सैनी, एमबीबीएस फ्रॉम एस मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एग्लूटिनेशन रिएक्शन। हम पढ़ रहे थे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, पिछली वीडियो में पढ़ा था एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। उसका एक टाइप है एग्लूटिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात की, ठीक है। तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की तरह ही होता है, ठीक है। एग्लूटेशन रिएक्शन होता क्या है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत इजीएस्ट तरीके से। तो गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बिना स्किप किए पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा। सबसे हम पहले बात करते हैं एग्लूटेशन रिएक्शन आखिर है क्या, ठीक है। गाइस, एग्लूटेशन रिएक्शन एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्ट करती है उसका एक टाइप है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर एक पार्टिकुलेट एंटीजन होता है। पार्टिकुलेट एंटीजन मतलब इनसोल्यूबल एंटीजन, जबकि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, सोल्यूबल एंटीजन होता है। लेकिन एग्लूटिनेशन रिएक्शन में पार्टिकुलेट एंटीजन होता है इनसोल्यूबल एंटीजन। जब इनसोल्यूबल एंटीजन एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में और डिजायर टेम्परेचर की प्रेजेंस में, तब एग्लूटिनेट्स बनते हैं, एग्लूटिनेट्स बनते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन या फिर क्लंपिंग। देखिए आसानी समझते हैं, जब कोई भी एंटीजन किसी एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा तो यहां पर एक क्लंपिंग होती है, ठीक है। इस एंटीजन के ये एंटीबॉडी बाइंड कर जाएगी, ठीक है, ठीक है, ये बाइंड कर गई तो क्लंपिंग, यहां पर क्लंपिंग अपीयरेंस दिखेगी और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन प्रोसेस कहते हैं। एक चीज और ध्यान में रखनी है, यहां पर जो एंटीबॉडी यहां पर यूज होती है, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो यूज्ड होती है उसे हम बोलते हैं एग्लूटिनिन, एग्लूटिनिन, ठीक। और जो एंटीजन यहां पर अप्लाइड होता है उसे हम बोलते हैं एग्लूटिनोजन्स, एग्लूटिनोजन, ठीक है। और जो रिएक्शन होती है उसे क्या बोलेंगे, एग्लूटिनेशन। तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन एक पार्टिकुलर एंटीजन जब स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करता है तो एग्लूटिनेशन प्रोसेस अकर होती है। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है इनसोल्यूबल एंटीजन, क्लियर। अब गाइस, एग्लूटिनेशन रिएक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं, एक होता है डायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन। डायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन मतलब कोई भी एंटीजन डायरेक्टली एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो रहा है डायरेक्टली, ठीक है, उससे हम डायरेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट या फिर पैसिव, इनडायरेक्ट को पैसिव भी कहते हैं। यहाँ पर कैरियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कैरियर्स मतलब एंटीजन डायरेक्ट एंटीबॉडी से बाइंड नहीं होता, इसको एक कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कैरियर हम ले सकते हैं लेटेक्स, ठीक है, लेटेक्स है कोई भी, ये कैरियर है। अब इस लेटेक्स के यहाँ पर लेटेक्स के, ये लेटेक्स हो गया, अब लेटेक्स से एंटीजन बाइंड हो गया, ठीक है। एंटीजन डायरेक्टली बाइंड नहीं होता, लेटेक्स की हेल्प से एंटीजन एंटीबॉडी के बाइंड होता है, ठीक है। ये लेटेक्स था, लेटेक्स के ऊपर ये एंटीजन यहाँ पर लेटेक्स पे बाइंड हो गया, देन ये जो कॉम्प्लेक्स है ये देन एंटीबॉडी से बाइंड करेगा। तो यहां पर एक कैरियर की जरूरत होती है, इनडायरेक्ट में कैरियर की नेसेसिटी होती है, जबकि डायरेक्ट में डायरेक्ट बाइंड होता है, ठीक है। अब डायरेक्ट में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्लाइड टेस्ट, एक होता है ट्यूब टेस्ट। स्लाइड टेस्ट मतलब क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव का क्या मतलब है कि एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है, ये हम डिफाइन करते हैं एंटीजन मौजूद है या नहीं, ठीक है। ट्यूब टेस्ट में क्या करते हैं, एंटीजन मौजूद है लेकिन कितना एंटीजन मौजूद है, ठीक है, कितना एंटीजन एंटीबॉडी मौजूद है। तो क्वालिटेटिव समझ में आ गया और क्वांटिटेटिव समझ में आ गया, क्वालिटी और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस है। तो स्लाइड टेस्ट, ट्यूब टेस्ट, ये दो टाइप के हैं। पहले पढ़ते हैं स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट, कि स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट में क्या होता है, ठीक है। जैसे क्वालिटेटिव टेस्ट है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस पता करता है कि एंटीजन या एंटीबॉडी इस जो है, जो भी सॉल्यूशन है उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं, वो होता है क्वालिटेटिव, ठीक है। स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट क्वालिटेटिव है। स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट हमने क्या बताया था, डायरेक्ट टेस्ट है, मतलब एंटीबॉडी डायरेक्ट, एंटीजन डायरेक्ट एंटीबॉडी से बाइंड होता है, ठीक है। कैसे होता है ये देखते हैं, हमने एक स्लाइड ली, ठीक है, ये स्लाइड है, ठीक है। यहां पर हमने एक बैक्टीरियल कॉलोनी को डाला, दिस वन इज बैक्टीरियल कॉलोनी, ये बैक्टीरियल कॉलोनी है, ठीक है। बैक्टीरियल कॉलोनी को हमने इनोकुलेट किया, ठीक है, बैक्टीरियल कॉलोनी, और हमने साथ में एक ड्रॉप ऑफ नॉर्मल सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन की हमने एक ड्रॉप डाल दी, नॉर्मल सेलाइन की हमने यहाँ पर एक ड्रॉप डाल दी, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन बना ये मिल्की वाइट अपीयरेंस होएगा, मिल्की वाइट अपीयरेंस शो करेगा, मिल्की वाइट सस्पेंशन शो करेगा, ठीक है। हमने क्या किया, स्लाइड ली, हमने स्लाइड ली, मिल्की वाइट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरियल कॉलोनी है और हमने नॉर्मल सेलाइन डाला, अब इसके ऊपर हम क्या डाल करते हैं, एंटीबॉडी डालते हैं। अब क्या करेंगे, हम एंटीबॉडी डालेंगे,
एंटीबॉडी डालेंगे इसके ऊपर, ठीक है, 1 ड्रॉप ऑफ एंटी सेरम एंटीबॉडी डालेंगे। जैसे ही हम एंटीबॉडी डालेंगे, ये मिल्की वाइट सॉल्यूशन जो था ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर सॉल्यूशन में, और यहां पर क्लंपिंग बनने लग जाएगी। क्या होएगा वो हम बताते हैं, ठीक है। जैसे हम एंटीबॉडी डालेंगे, जैसे ही एंटीबॉडी डालेंगे, ये हमारी स्लाइड थी, ठीक है, ये हमारी स्लाइड थी, ये हमारा यहां पर बैक्टीरियल कॉलोनी थी और नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन थे। जैसे ही हमने एंटीबॉडी डाला, एंटीबॉडी जैसे ही डाली, यहां पर क्या होता है, यहां पर क्लंपिंग शो होने लग जाएगी, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड होंगे तो यहां पर क्लंपिंग क्लंपिंग शो होने लग जाएगी, क्लंपिंग, ठीक है, क्लंपिंग शो होने लग जाएगी। तो क्लंपिंग जैसे ही होगी और क्लियर सॉल्यूशन विजिबल होगा, ठीक है, पहले व्हाइट था, तो जैसे ही क्लंपिंग होगी तो पॉजिटिव टेस्ट हमारा आ गया, ठीक है, समझ में आ गई सारी चीजें। सेकेंड चीज है गाइस, सेकेंड है ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट। अब स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या बताएगा, अगर क्लंपिंग आ रही है तो क्वालिटेटिव हो गया, ठीक। अब ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट हमारा क्वांटिटेटिव भी है क्वालिटेटिव भी है, कैसे है वो हम बताते हैं। हमने यहाँ पर 4 ट्यूब ली, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल वाइडल टेस्ट, हम टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए वाइडल टेस्ट यूज लेते हैं, तो बेस्ट एग्जाम्पल है वाइडल टेस्ट। हम क्या लिए, हमने 4 टेस्ट ट्यूब ले ली, 1, 2, 3, 4, एक हमने ले लिया स्टोक सॉल्यूशन, ये ब्लैक वाला स्टोक सॉल्यूशन है, ठीक है। हमने इन 4 टेस्ट ट्यूब में 9 ml डिस्टिल वाटर डाल लिया, सब में इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टिल वाटर, 9 ml, ठीक है, 9 ml डिस्टिल वाटर हमने डाल लिया। अब क्या होता है, हम इसके अंदर 1 ml स्टोक सॉल्यूशन डालेंगे पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर। जैसे ही पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 ml हम स्टोक सॉल्यूशन डालेंगे तो डायल्यूशन कितना हो गया, 1/10, 1 ml, ठीक है, अपॉन पूरा कितना हो गया, 10, ठीक, 1/10 इसका डाइल्यूशन फैक्ट डाइल्यूशन हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे हमने स्टॉक सॉल्यूशन इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, ये डाल दिया तो मिक्स हो गया, हम अब इस वेसल का 1 ml, इस वेसल का 1 ml इस नेक्स्ट वेसल के अंदर डालेंगे, ठीक है, ठीक है, इस नेक्स्ट वेसल के अंदर डाल दिया, तो इसका डाइल्यूशन कितना हो गया, 1/100, 1/100 मतलब इक्वल 10 इक्वल 2 -2, ठीक है। अब यहां पर आ गई, इसके अंदर मिक्स हो गया, अब इस मिक्स का हम 1 ml अगले वाले के अंदर डालेंगे, ठीक है, तो ये इसका डाइल्यूशन फैक्टर 1/1000, 10^-3। अब इसका 1 ml इस मिक्सचर का हम इसके अंदर डालेंगे, तो कंजिक्यूटिव हम डालते जाएंगे ऐसे, ठीक है, ये कितना हो गया, इसका डाइल्यूशन फैक्टर 1/10^-10^-4, ठीक है। अब यहां पर अगर यहां पर क्लंपिंग हो रही है, क्लंपिंग हो रही है इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, अगर क्लंपिंग हो रही है तो हमें क्या बताएंगे कि एंटीजन एंटीबॉडी यहां पर बाइंड कर रहे हैं, एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव होगा कि एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब क्वांटिटेटिव कैसे बताएगा कि क्लंपिंग कहां तक हो रही है, किस डायल्यूशन फैक्टर तक यहां पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है, मतलब अगर इस वेसल के अंदर हो रही है तो इसका डायल्यूशन कितना होगा, 10^-4, ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी देता है ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट, ठीक है। अब मान लो 5th टेस्ट ट्यूब हमने ले ली, अगर 5वीं टेस्ट ट्यूब भी हम आगे ले लें, लेकिन यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं कर रहा, यहाँ पर क्लंपिंग नहीं हो पा रही, ठीक है, तो यहाँ पर डायल्यूशन फैक्टर जो है उस डायल्यूशन फैक्टर पे क्लंपिंग नहीं होगी, तो हमें क्वांटिटेटिव मिल जाती है कि यहाँ तक हम एग्लूटिनेशन कर सकते हैं, क्लियर गाइज यहाँ तक। इसके एग्जाम्पल है ट्यूब एग्लूटिनेशन का वाइडल टेस्ट, एक वेल फेलिक्स रिएक्शन, समझ में आना चाहिए, ठीक। अब हमने पढ़ लिया डायरेक्ट, ठीक है, हमने पढ़ लिया डायरेक्ट, ये हमने पढ़ा टाइप एग्लूटिनेशन रिएक्शन की, डायरेक्ट में हमने पढ़ लिया स्लाइड और ट्यूब, अब पढ़ते हैं इनडायरेक्ट क्या होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट पेशी में क्या होता है, डायरेक्ट एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड नहीं होता, ठीक है। सोल्यूबल एंटीजन, यहां पर क्या होता है, कोई भी सोल्यूबल एंटीजन होता है, ठीक है, कोई भी सोल्यूबल एंटीजन होता है वो एक न्यूट्रियल कैरियर, जैसे कोई भी आरबीसी है, ये हमारी आरबीसी है, इस पे बाइंड होता है, सपोज दिस वन इज आरबीसी, इसके ऊपर को एंटीजन बाइंड होएगा, ठीक है, ये हो गया एंटीजन, सारी तरफ बाइंड हो जाएगा, देन ये एंटीबॉडी से बाइंड होएगा, तो इनडायरेक्टली बाइंड हो रहा है ना, किसकी हेल्प से, आरबीसी की हेल्प से, ये रेड रेड क्या है, आरबीसी, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूबल एंटीजन कोटेड ऑन ए न्यूट्रल कैरियर सी आरबीसी जिलेटिन लेटेक्स, ठीक है, पार्टिकुलेट एंटीजन, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, तो इस तरह से हम सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक। ये हमारा आपका पूरा एग्लूटिनेशन रिएक्शन हुआ, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, सॉरी हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अनुराग सैनी MBBS, ठीक है,
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।